की कमी नहीं है। और अगर मैं ये कहूं कि ये मसले पिछले 10 साल की पैदावार है तो गलत होगा कहना। ये मसले 10 साल की पैदावार नहीं है, ये मसले जम्मू कश्मीर का यूटी में तब्दील होना उसकी पैदावार नहीं है। बेशक उस वजह से शायद हमारे कुछ मसले बड़े होंगे, लेकिन शुरुआत वहां से नहीं हुई। मैं इससे पहले जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रहा 6 साल, उस वक्त कौन से मसलों की कमी थी? मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि उस वक्त मैं आप लोगों से मिलता था तो कोई मसले थे नहीं आपके। वो छोड़िए, मैं जब वाजपेयी साहब की हुकूमत में इंडस्ट्रीज और कॉमर्स का मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, उस वक्त भी आपके चैम्बर के साथ लगातार मेरी मुलाकात होती रहती थी। उस दौरान भी मसले थे, कुछ मसले हमारी ज्योग्राफिया के नतीजे हैं, हम इस मुल्क के एक कोने पे बसे हुए हैं, हमारा अपना मार्केट बहुत छोटा है, हमारी रॉ मटेरियल बेस बहुत कम है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन जिस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बाहर से लाना होगा और फिनिश प्रोडक्ट यहां से बाहर ले जाना होगा, वो इंडस्ट्री बिना हुकूमत की मदद के वायबल हो ही नहीं सकती। तो मैं एक तरफ से तो अजीब सा लगता है कि हमें इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए बार बार इंसेंटिव्स की बात करनी होती है, लेकिन कुछ इलाकों में बिना इंसेंटिव्स के इंडस्ट्री को चलाना बहुत मुश्किल है। अब इंडस्ट्री पर जब हम आते हैं तो सही कहा, जमीन भी हमारी, इंसेंटिव भी हमारा, बिजली भी हमारी इस्तेमाल होगी, आबो हवा जब खराब होगा तो हमारा होगा, लेकिन हमारी एंसिलरी इंडस्ट्री नहीं लगेगी। हमारी लगी हुई इंडस्ट्री से जो है किसी तरह का प्रोडक्ट सोर्स नहीं होगा, हमारे लोकल लोग लगेंगे नहीं, हमारा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं होगा, तो मुझे बताइए ना आप उस इंडस्ट्री का हमें क्या फायदा। इसलिए मैंने बार बार ये कहा था उस वक्त जब हमारे पैकेज बन रहे थे कि वो पैकेज जिसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट का एक पक्का हिस्सा ना हो, जिसमें लोकल इंडस्ट्री को एंसिलरी के तौर पे बढ़ावा देने का एक हिस्सा ना हो, जिसमें लोकल ट्रांसपोर्टर्स के लिए कुछ ना हो, उस इंडस्ट्रियल पैकेज का हमें फायदा नहीं है। क्योंकि हमारा ये जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो हम सब जानते हैं, जो इंडस्ट्री पैकेज के लिए आती है वो सिर्फ और सिर्फ पैकेज के लिए वहां पे रहती है, और पैकेज के बाद जो है वो अपना बोरी बिस्तरा बंद करके चले जाते हैं। रहता कौन है? आप लोग, क्योंकि आप इस जमीन के साथ जुड़े हुए हो, ये आपकी जमीन है, मर मिटना हमने इसी जमीन पे है, इसका दुख दर्द हमें है, नहीं तो कौन सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट हमने नहीं देखी। जब जम्मू कश्मीर का अपना खसूसी दर्जा था और यहां मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट अप्लाई नहीं करता था, तब हिंदुस्तान लीवर्स ने इतना बड़ा फैक्ट्री यहां बड़ी ब्राह्मणा ने लगाया था, शायद मुल्क का सबसे बड़ा फैक्ट्री उनका वहां पे था। जिस दिन कानून में तब्दीली आई और वो एक्ट जम्मू कश्मीर पे लागू हुआ, हिंदुस्तान लीवर्स को 2 दिन नहीं लगे यहां से भागने में, फैक्ट्री मशीन सारा कुछ छोड़ के यहां से चले गए।
इसी तरह कई और ऐसे मिसाल मैं आपके सामने कंपनी के नाम लेके पेश कर सकता हूं जो पैकेज के लिए आए और पैकेज के बाद चले गए। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पैकेज जो हमें मिले, इंसेंटिव्स जो हमें मिले, हम उन इंडस्ट्रीज का हाथ बटाएं जिन्होंने मुश्किल दौर में यहां पे सरवाइव करने की कोशिश की, जिन्होंने मुश्किल हालात का जो है सामना किया और जो अब थोड़ी सी मदद के साथ यहां और ज्यादा फलें फूल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ प्री बजट जो मीटिंग्स होंगी, मैं प्रेसिडेंट साहब आपसे और आपकी टीम से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी इश्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इन पैकेजेस के मुतल्लिक हमें टेक अप करनी होंगी, मेहरबानी करें कोई मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि 2021 को जैसलमेर में मीटिंग है, एक तो प्री बजट डिस्कशंस की और उसके बाद GST काउंसिल की। तो इन दोनों इश्यूज को लेके जो भी मुद्दे आप चाहते हैं कि वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के सामने हम उठाएं, मेहरबानी करके एक नोट मुझे और वैद्य साहब को आप दे दीजिए ताकि उन एक एक इशू को हम वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करें और उनसे हम कुछ हासिल कर सकें। आज मुझे यहाँ चैम्बर एंड इंडस्ट्री में बोलने का मौका मिला, अरुण जी आपका शुक्रिया, चैम्बर का भी शुक्रिया। और जब आज हम चैम्बर के यहाँ हॉल में बोलने के लिए खड़े हुए हैं, आप बदकिस्मती कहें या खुशनसीबी कहें, लेकिन मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी जम्मू सूबे की खास करके बदनसीबी है, जहाँ हमारी इकॉनमी आज जूझ रही है, जहाँ हमारे होटल, इंडस्ट्री, दुकानदार, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे टूरिज्म हो, हर इंडस्ट्री जो खास करके जम्मू सूबे की है आई लड़खड़ा रही है। आप माने या ना माने, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जम्मू का रहने वाला हूँ, ये दर्द मेरे अंदर है कि हमारे लोगों की बर्बादी नहीं थी। आज जब हम बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा और आज तो सरकार है, शुक्र है माँ वैष्णो देवी का, जिसकी धरती पे हम लोग बैठे हैं, हमें उमर अब्दुल्ला साहब जैसा चीफ मिनिस्टर मिला है। तो मैं एक जरूर कहूंगा इस डुगर देश नू बहादुर लोगों की धरती नजर लगी, तो आओ असी मिल के कोई सांझी सोच बनाइए, इस रियासत नू, इस स्टेट नू अगे ले जाइए। आज स्टेट नहीं है, ज्यादतियां का पहाड़ टूटे ने साढ़े, शायद मैं फिर जसालत कर रहा ये गल के, क्योंकि मेरा दिल कहता है असं एक फैमिली के लोग हाँ। ऑनरेबल CM साहब हैड कर रहे हैं सबू, इधर बैठे थे लोग, इधर बैठे थे लोग, ब्यूरोक्रेसी भी लोग, असं एक फैमिली हैं, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोग सब काम कर रहे हैं। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में जितनी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इतना सिविल सोसाइटी जिम्मेदार, जितना एक पोलिटिकल रेजिडेंटेटिव जिम्मेदार है, इतना ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे लोग जिम्मेदार हैं। और आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ने काम किए हैं, जिस तरह से हमारी चैम्बर जो है वो वर्किंग जो है उसकी, वो कम से कम इस तरह से हो कि भाई गवर्नमेंट भी उससे उसकी स्ट्रेंथ को माने और पब्लिक भी जो है वो इसकी स्ट्रेंथ को माने। मैं समझता हूँ कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो है वो 3 times प्रेसिडेंट रहे हैं, YV शर्मा जी को लेने चाहिए और स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, वो मुश्किल है, अभी तक हो नहीं पा रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर कि एक सेपरेट मीटिंग जो है टूरिज्म सेक्टर के लिए, बिजनेस तो चलो वो तो होता ही है, जहाँ जब दरबार मूव जम्मू में होगा तो जम्मू में बिजनेस अच्छा होगा, दरबार मूव कश्मीर में होगा तो कश्मीर में बिजनेस।